हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी और मलाई का हलवा, वो भी बिना खोया के, जिसके लिए हमने एक फ्रेश लौकी ली है और उसे अच्छे से धो लिया है। पहले हम इसे अच्छे से छील लेंगे और फिर उसको कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। हमने कोशिश करनी है जो कद्दूकस का ये मीडियम वाले छेद होते हैं उससे हमने इसको कद्दूकस करना है। हमने एक बाउल में लौकी को कद्दूकस कर लिया है, सेम अमाउंट में हमने कोई फ्रेश मलाई लेनी है और जितना मलाई और लौकी ली है आपने उसका हाफ अमाउंट में आपने एक बाउल में चीनी लेनी है और आपने 4-5 बादाम काट के जो है गार्निश के लिए ले लेने हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिया है। जो हमने लौकी कद्दूकस की थी और मलाई थी उसको हमने दोनों को उसमें डालकर मिक्स करना है अच्छे से और उसको हमने बॉईल करना है। क्योंकि ये कढ़ाई में ना चिपक जाए इसलिए हमने साथ साथ इसको बीच में स्टिर करते रहना है, मतलब हिलाते रहना है, क्योंकि मलाई इसमें अच्छे से घुल गई है। जो हमने चीनी ली थी वो हमने उसको इसमें ऐड कर देना है और दोनों को मिक्स करना है। अब चीनी ऐड करने के बाद पानी छोड़ती है तो हमने क्या करना है, उसको दोबारा से मीडियम हीट पे बॉईल करते रहना है जब तक ये चीनी पूरी इसमें सूख ना जाए। और हमारा जैसे देख पा रहे हैं हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमने थोड़ा सा इसको और सूखने के लिए बॉईल कर देना है और ये रेडी हो चुका है, जिसको हम गरम गरम खा सकते हैं या हम इसे फ्रिज में रख के बाद में खाने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और साथ में मैंने लगाई मेहंदी, क्योंकि मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी हॉबी है। जब भी मुझे टाइम लगता है या जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ज़रूर मेहंदी लगाती हूँ। कभी फेस्टिवल हो या कोई ओकेजन हो, मुझे खुशी होती है तो मैं अपने हाथ में मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास खोया अवेलेबल है तो आप उसके साथ भी लौकी का हलवा अच्छे से बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।